हेलो एवरी वन सो दिस नोटिफिकेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आईसीएसआई एंड फॉर ऑल द लवली सी एस डब्ल्यू स्टूडेंट जिनका एग्जाम्स अभी मे टर्म में ड्यू है तो so मैं आपको बता दू ये अनाउंसमेंट क्या है बट उसके पहले आप फटाफट जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और डू शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स तो मैम आखिर में ये आईसीएसआई ने क्या इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया है फटाफट हमें बता दीजिए हमारे पास हमारे पास समय कम है तो मैं आपको बता दूँ क्या क्या नोटिफिकेशन है ये नोटिफिकेशन पूरा पूरा का का आपके एग्जाम्स के लिए रिलेटेड है 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 जो जो कि कि होने वाला ऑफ ऑफ 2023 2023 तो जैसा कि आपको पता हमारा 6th 2023 को होगा सैटरडे को ठीक है एस पर द टाइमिंग गिवन इन द एडमिट कार्ड अभी तक सी के एडमिट कार्ड रिलीज नहीं हुए हैं और जैसे ही रिलीज होंगे बच्चों के में उनका आ, एक्चुअली टाइम ऑफ एग्जामिनेशन लिखा रहेगा क्योंकि अलग अलग बच्चों का अलग अलग टाइमिंग होगा ठीक है मैं आपको बता दूँ इसके लिए उन्होंने क्या बोला रिमोट प्रोक्टर्ड मोड के थ्रू जो सी एस डब्ल्यूटी का एग्जाम्स है वो कंडक्ट होगा फ्रॉम देयर ओन लैपटॉप और डेस्कटॉप अपने घर से ही देना आपको एग्जाम्स ठीक है आप सी एस डब्ल्यूटी का एग्जाम्स मोबाइल फोन या टैबलेट से या पाम टॉप से नहीं कर सकते हो तो कृपया करके इस बात का ध्यान दीजिए लैपटॉप और डेस्कटॉप ठीक है इसके अलावा वाइवा वॉस का पोर्शन जो है वो नहीं है जैसा कि आपको पता है मैंने पहले भी बोला था ये रहे आपके चार सब्जेक्ट जिसके ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं हर एक हर एक पेपर में थर्टी फाइव रहेगा जिसमें से कुछ क्वेश्चन दो नंबर के और कुछ क्वेश्चन एक नंबर के टोटल 200 मार्क्स का जो आपका पेपर है जिसमें से मिनिमम 40 परसेंट इंडिविजुअल में आपको लाना है लेकिन अगर एग्रीगेट में, में बात करूं तो मिनिमम 50 लाना कंपलसरी है यानी कि इसका मतलब 200 में से से आपको कम से कम मिनिमम 100 मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा एग्जाम्स को एंट्रेंस एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए ठीक है फिर इसके अलावा क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनिए सी एस कैंडिडेट सीकिंग रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम शुड बी यू नो फुलफिलिंग द फॉलोइंग क्राइटेरिया एसडब्लू डी का एग्जाम उन्होंने क्लियर कर लिया क्लास ट्वेल्व के एक्साम्स क्लियर कर लिया है ठीक है अब आइए बात करते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस की आपको एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लेना है ठीक है फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं एवरी कैंडिडेट इज एडवाइज टू वेरीफाई द डिटेल्स इन द एडमिट कार्ड उसका नाम फोटोग्राफ सिग्नेचर एडमिशन आप अपना नाम फोटोग्राफ सिग्नेचर नंबर डेट टाइमिंग ऑफ टेस्ट ये सब कुछ देख लीजिएगा अच्छे से ठीक है और कुछ भी अगर डिस्क्रिपेंसी हुआ तो ये इंस्टीट्यूट का हेल्पलाइन नंबर है इसमें आप जो है तुरंत अपडेट कर दीजिएगा जाकर

Uh, देते दौरान क्या क्या चीजों का अपने पास कॉपी रखना है एडमिट कार्ड आइडेंटिटी कार्ड ठीक है विच कैन बी अदर योर पासपोर्ट और योर ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड वोटर कार्ड ये सब आप जो है हैंडी रेडी रखना अपने संग और राइट फिर इसके अलावा क्या बोल रहा है आपको कि जो ये सेबलाइट है सी एस डबल यू हैव सबमिटेड द पेपर सक्सेसफुली ओके इसके अलावा आपको क्या बोल रहा है इंटरनेट कनेक्शन बहुत स्टेबल होना चाहिए लैपटॉप चार्ज करके बैठिएगा मॉक टेस्ट में अपियर करना जरूरी है और आपको बेसिकली थर्टी मिनट्स पहले फ्रॉम द स्पेसिफाइड टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द टेस्ट लॉग इन कर लेना है टेस्ट पोर्टल में ठीक है और नो कैंडिडेट शेल बी अलाउड टू अपियर इन द टेस्ट आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ 15 मिनट्स ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द टेस्ट तो प्लीज लेट मत करिएगा 15 मिनट से ज्यादा लेट होगा तो आपको जो है क्वालिफाई uh, नहीं किया जाएगा टेस्ट देने के लिए ओके एंड नो कैंडिडेट शेल परमिटेड टू फिनिश द टेस्ट अंटिल द एक्सपायरी ऑफ 90 मिनट यानी कम से कम आपको 90 मिनट्स जो है स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा ओके फिर फोर्टी मार्क्स और फिफ्टी मार्क्स वाला क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया निगेटिव मार्किंग नहीं होना है right guys, फिर उसके बाद नो कैंडिडेट टू यूज एनी काइंड ऑफ मोबाइल ईयरफोन हेडफोन ये सब आप प्लीज अलाउ नहीं है यूज मत करिएगा ठीक है फिर इसके अलावा यू यू बी नॉट अलाउड टू रेफर एनी बुक और राइटिंग पैड फोटोग्राफ वगैरह या जोर जोर से क्वेश्चन रीड करने का ऑप्शन ये सब जो है या फिर आई कॉन्टेक्ट अगर आप स्क्रीन के बाहर करोगे तो भी आप डिस्कालीफाई हो सकते हो तो प्लीज ये सब चीजों का बारीकी से ध्यान रखिएगा ओके फिर उसके बाद कैंडिडेट शेल नॉट बी अलाउड टू लीव द टेस्ट अंटिल इट्स सबमिशन ब्रेक वगैरह प्रोवाइड नहीं किया जाएगा और अगर आप इसमें से कोई भी रूल्स को वायलेट करोगे तो आपका जो पेपर है उसको विदहेल्ड कर दिया जाएगा ठीक है तो प्लीज माइनूटली सब चीजों का आप ध्यान रखिएगा नहीं तो बहुत ही ज्यादा आपको प्रॉब्लम हो सकता है ठीक है फिर उसके बाद ये आप डिटेल्स एक बार इसको देख लीजिएगा इसके अलावा ये सब आप देख लीजिए ब्राउजर जो है आपका गूगल क्रोम का वर्जन एट या अब का होना चाहिए ओ एस विंडोज टेन या फिर इलेवन होना चाहिए ठीक है तो उसके बाद अगर विंडोज सेवन है तो उसमें देख लेना थर्टी टू या 64 फोर का होना चाहिए रैम का प्रोसेसर फायर वोल्ड डिजेबल्ड कुकीज एनेबल्ड तो ये सब चीज आप प्लीज पक्का से देख लेना ओके फिर ये पूरा मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कि कैसे जो है आपको एग्जाम्स के लिए बैठना है तो प्लीज गाइज ये प्रोसेस को एक बार आप अच्छे से देख लीजिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको गाइडलाइंस क्लियर होना चाहिए एग्जाम्स देने के पहले एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आए जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा विल बी द फर्स्ट चैनल टू अपडेट अबाउट इट ठीक है इसके अलावा हमारे जो सी के जितने भी रिविजन सेशन वगैरह चल रहे हैं यूट्यूब में एम ईपीएल क्लासेज यूट्यूब चैनल में प्लीज पक्का से उसको करिए और इसके अलावा हम लोग ग्रैंड महामैराथन एमसीक्यू सेशन लाने वाले हैं जिसके अनाउंसमेंट जल्दी आपको मिलने वाला है सो स्टे टून टू अवर चैनल फॉर द फर्दर अपडेट्स एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन ठीक है एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल ऑल द वेरी बेस्ट कीप वेरी हार्ड इज यू थैंक यू ऑल ऑफ यू बाय कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर जरूर पूछना बाय